एक अध्यादेश लाने जा रही है जिससे राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे से बाहर होंगे। समाजवादी पार्टी की इस पर क्या राय है, बात करने के लिए इसमें समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, जो आरटीआई है, सरकार एक अध्यादेश लाने जा रही है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो आरटीआई के दायरे से बाहर हो, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? हम इससे सहमत हैं कि जिस तरह डिफेंस, सीबीआई, माननीय न्यायाधीशों, अदालतों आदि को इससे अलग रखा गया, उससे राजनीतिक दलों को भी अलग रखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों के सामने बहुत सी मजबूरियां होती हैं, बहुत से ऐसे सिस्टम होते हैं जिस सिस्टम को जनता में नहीं उजागर किया जा सकता। तो मैं इसको उचित नहीं मानता हूं कि आरटीआई के अंदर उन्हें आना चाहिए। वैसे तो समाजवादी पार्टी आरटीआई के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हिन्दुस्तान अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारी आंतरिक समस्या है, आंतरिक सुरक्षा पर खतरा है, बाहरी सुरक्षा पर खतरा है, और आरटीआई के माध्यम से तमाम ऐसी चीजें लीकेज हो रही हैं जो हमारे देश के लिए खतरा बनती चली जा रही सर। लेकिन तमाम ये बातें उजागर हुई हैं, जो एनजीओज हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि अगर आरटीआई के दायरे में पॉलिटिकल पार्टीज आती है तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पार्टीज को जो फंड्स मिलता है, कहां से फंड्स आता है, क्या उनका स्रोत रहता है, चुनाव में कितने पैसे खर्च होते हैं, ये सारी चीज सार्वजनिक जीवन में आएगी। तो आखिर इसको छुपाना क्यों, राजनीतिक दल इसको क्यों छुपाना चाहते हैं? तो फिर मिलिट्री को भी उसमें मांग ले, वो सीबीआई को मांग ले, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को मांग ले, उनको भी क्यों नहीं मांगते? आखिर ये कुछ जो एनजीओज है देश के लिए, यही तो खतरनाक है, एनजीओज अपना क्यों नहीं ब्यौरा देते हैं? आने वाले समय में सेशन है, क्या ये बात आप आगे सरकार को रखेंगे कि फिलहाल आरटीआई को हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाए? मैं तो जरूरत पड़े तो मानवाधिकार आरटीआई दोनों का विरोध करूंगा। आपने देखा मानवाधिकार लागू होने के बाद क्राइम देश में कितना बढ़ गया, आज तो तमाम क्रिमिनल पहले ही मानवाधिकार में एप्लीकेशन डाल देते हैं, फिर क्राइम करते, सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है। इस देश के लिए सब अच्छा नहीं। हम कहते हैं कि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, फिर वहां क्यों नहीं लागू हो रहा? आखिर क्या खासियत है? उन देशों को छोड़ दिया गया और सिर्फ हिंदुस्तान को ही एडवांस कंट्री मानकर ये सारे काले कानून हिंदुस्तान में लागू कर दिए। आपकी पार्टी इस बात को आगे बढ़ाएगी? हाँ, जरूरत पड़ी बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, कहीं बात हुई खुले डिबेट में इस बात को कहेंगे। शुक्रिया। साफ तौर पर कहना है समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल जी का कि महज राजनीतिक दल ही नहीं, आरटीआई को देश में फिलहाल नहीं होना चाहिए, इस बात को वो आगे सरकार के सामने भी रखेंगे। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।